नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल नेचर इस गेमर में। और आज का जो वीडियो है वो है गॉड ऑफ वॉर चेन ऑफ ओलंपस। ये गेम आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में कैसे खेल सकते हैं मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ पर मैंने गेम का जो लिंक है मैंने प्रोवाइड कर दिया है वहाँ पर। और गेम जो है वो 200 MB का है, सो इसीलिए आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जो है जेड अचीवर, और दूसरा है PPSSPP मोनिटर गोल्ड। गोल्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रखा है। और आपके पास फ्री वर्जन जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप कोई भी एक PPSSPP मोनिटर डाउनलोड कर सकते हैं। सो जब आप उस जिप फाइल को डाउनलोड कर लेंगे जो 200 MB में मिल जाएगा आपको, मतलब जो गेम है उसी के अंदर मैंने हाईली कंप्रेस कर रखा हुआ है। सो आपको सिंपली जेड अचीवर को ओपन करना है जो आपने इंस्टॉल किया था। आपको शॉर्ट तो नहीं था आपने उस गेम को रखा है। मैंने गेम्स नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ था, उसी के अंदर मैंने रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 205 MB का यहाँ पे एक जिप फाइल देखने को मिल जाएगा गॉड ऑफ वॉर का, इसी के अंदर मैंने चेन ऑफ ओलंपस रखा है। सो इसे करना है एक्सट्रैक्ट, इसमें क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन है, सेकंड वाला इसमें क्लिक करना है आपको। अभी एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, लेकिन यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड दे देना है आपको gamer007। ओके कर देना है। अभी एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, ये होने वाला टाइम लग सकता है। सो यहाँ पे कीप द स्क्रीन टर्न ऑन नाम का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसमें क्लिक कर देना है और वेट करना है कब तक ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ISO फाइल आ चुका है। सो वो करना क्या है, सारे टैब्स को क्लोज कर देना है। PPSSPP एमुलेटर नाम का एक एमुलेटर जो है इंस्टॉल करना है। मैंने PPSSPP एमुलेटर गोल्ड को ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज में आप चले जाएंगे। सबसे पहले जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे रिसेंट क्लिक करके आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी गेम टेम नहीं शो कर रहा है। आपको सिंपली गेम्स नाम का एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, उसमें क्लिक कर लेना है, फिर नीचे आ जाना है। ये पूरा एकदम SD कार्ड का जो स्टोरेज है वो सारे फोल्डर्स है यहाँ पे आपको शो कर लेगा, शो कर देगा। सो यहाँ पे आपको सर्च करना है कि आपने किस फोल्डर में अपना जो गेम है रखा है। मैंने तो गेम्स नाम का फोल्डर में रखा है, इस फोल्डर में रखा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो गेम का जो लोगो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, लेकिन सबसे पहले तो आपको सेटिंग में जो है एक बार देख लेना क्या करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मोड में यहाँ पे स्किप बफर मोड, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है फर्स्ट वाला, उसमें क्लिक कर लेना है और यहाँ पे नीचे आ जाना है। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे इमर्सिव मोड को ऑन कर देना है, उसके बाद और नीचे आ जाना है आपको। और फिर यहाँ पे इसका जो कर्व क्वालिटीज है उसे करना है मीडियम में कर देना है आपको, और नीचे आ जाना है। उसके बाद और कुछ करने को नहीं है तो ठीक है, यहाँ पे आपको बैक कर लेना है और आपका जो गेम है वो स्मूथली चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेम का जो लोगो है वो यहाँ पे आ चुका है। गेम चल रहा है ठीक तरह से, कोई लैग नहीं कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो गेम है वो चल रहा है, कोई दिक्कत जो है नहीं आ रही है। यहाँ पे आप न्यू गेम क्लिक करके यहाँ से आप अपने गेम को जो है खेल सकते हैं। सो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।